दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक शिबली वर्क पर। सो दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक समरी। इस बुक समरी में हम देखेंगे कैसे हम दुनिया को अपनी अलग अलग दृष्टिकोण के हिसाब से देख सकते हैं। तो बुक का नाम है द फैक्टफुलनेस दैट्स मीन, और जो लिखी गई है वो हैंस रॉसलिंग के द्वारा लिखी गई। तो उसमें लेखक कहते हैं कि अगर मैं इस किताब के बारे में एक लाइन में कहूँ तो ये किताब आपको दुनिया के बारे में 10 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहती है। साथ ही यह किताब हमें दुनिया को वैसे देखने को रोकती है जैसे वह असल में नहीं है। हैंस रॉसलिंग कहते हैं कि हर कैटेगरी के लोग दुनिया के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं जितना वह असल में भी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि दुनिया बहुत भयानक है, ज़्यादा हिंसक और बहुत ही निराशाजनक है। हैंस रॉसलिंग यह भी बताते हैं कि कदम दर कदम 10 साल दुनिया में सुधार हो रहा है। दुनिया दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। साल दर साल हो रहे बदलाव के कारण कंट्रोल से ज़्यादा रूल्स हैं। यह बात भी अलग है कि दुनिया बहुत बड़ी समस्या से लड़ रही है, लेकिन रॉसलिंग यह भी कहते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहे ड्रामा की वजह से हमें चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते जो असल में है। मतलब कि हमारे दिमाग में दुनिया के बारे में जो छवि है उसके बारे में सोचते हुए हम ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें असल दुनिया का पता नहीं चलता। इस किताब में आपको ऑथर ने कुछ ऐसे तरीके बताए जिसके जरिए आप दुनिया को वैसे देख सकते हैं जो असल में है। आप अपने दिमाग से दुनिया के हर बारे में अजीब अजीब ख्यालों को हटा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम दुनिया को अपनी नज़र में कम और जैसा लोग उसके बारे में बताते हैं वैसा ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हम कभी इस दुनिया को खुद से एडजस्ट नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया किस तरह काम करती है। और इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको कुछ बातें पता चल जाएंगी कि हमें किस प्रकार इस जीवन और इस दुनिया को महसूस करना चाहिए, या फिर अपने खुद के हिसाब से सोचना चाहिए, या फिर किसी ने बता दिया उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में लेखक ने बताया द गैप स्टिंक्ट का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमारी दुनिया दो भागों में बटी है, पहला डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरा डेवलप्ड कंट्री। मतलब कि एक वो देश जो डेवलप्ड हो रहा है और एक वो देश एक जो डेवलप्ड हो सक चुका है। मतलब डेवलपिंग कंट्री का मतलब वही होता है कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, यूँ कहें कि गरीब देश डेवलपिंग कंट्री। जबकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है जो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुनिया के पश्चिमी देश विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में के अंदर आते हैं। 85% लोग पहले से बॉक्स में हैं जो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है, और 15% वाले डेवलपिंग बॉक्स में आते हैं। दुनिया की आबादी का 6% रखने वाले 13 देश शामिल हैं। पश्चिम और बाकी के बीच, विकसित और विकासशील के बीच, अमीर और गरीब के बीच का अंतर नहीं है। दुनिया में केवल 9% आबादी कम आय वाले देशों में निवास करती है। लो इनकम वाले देशों के बारे में लोग जितना सोचते हैं, असल में ये देश उससे कई ज़्यादा विकसित होते हैं। समाज में बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि दुनिया में जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि असल में इन देशों की हालात इतनी ख़राब नहीं है जैसा हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, जैसा हमें सुनने को मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातों को सुनने से ज़्यादा फैक्ट पर यकीन करें। नंबर ऑफ फैक्ट आपको ये बताते हैं कि क्या एक्चुअल में क्लियरिटी है, क्या सच्चाई है, ट्रुथ। अब हम चैप्टर 2 में बात करने वाले हैं द निगेटिविटी इंस्टिंक्ट। मतलब बीमारी टाइप की है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों को देखते हैं। मतलब अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो वह उस चीज़ के बुरे पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि उसके अच्छे पहलू पर। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, न्यूज में आ रही गलत बातों को बार बार कर पूरा माहौल निगेटिव बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जब भी आपको कुछ बुरा सुनने को मिले, तब आप बुरी चीज़ पर बात करने से पहले यह सोचें कि आपको इस तरह से कभी अच्छी न्यूज़ मिली है, इसके बारे में ये सभी बात कर रहे हों। साथ ही आपको खुद में यह बदलाव लाना चाहिए कि आप दुनिया के बुरी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि
अगर आप दूसरों को नहीं बदल सकते तो कम से कम खुद के नज़रिए को तो बदल सकते हैं। अब चैप्टर 3, द स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन मतलब कि यह एक स्वाभाविक दर्शाती है कि हमारा दिमाग ऐसी लाइन की कल्पना करता है जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन नहीं है, चाहे पॉपुलेशन हो फिर या ग्रोथ। ग्रोथ भी सभी चीज़ों में ऊपर बढ़ती है या फिर नीचे घटती है। दुनिया की हर चीज़ ऊपर नीचे रहती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी की हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहती है, और जब हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाती है तब हम मर जाते हैं। ठीक वैसे ही इस गलत विचारधारा को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और समझना चाहिए कर्व की तरह होते हैं, इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। मतलब कि हमारी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि जब हमारा जीवन ही उतार चढ़ाव है, मतलब कि जब हमारी जो सांसें, जो हमारी प्रोसेस है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, वो जब उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब कि हार्ट बीट हाई लो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ होने वाले जितने भी कांड हैं, मतलब जो भी काम है, वो कैसे स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं। वो उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा, कभी मतलब कि प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी लाइफ में कुछ दर्द तो कभी सुख, कभी दुख, हैप्पीनेस, मतलब कि कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे। द फियर इंस्टिंक्ट, एक हमारा ये अंदर चैप्टर 4 में बात किया गया, द फियर मतलब डर। ये हमारी आदत है, हम उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जिसमें हमें डर लगता है। चीज़ों की क्रिटिकली सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्रिटिकली सोचना लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है जब वो डरे होते हैं। हम एक वक्त पर डर और फैक्ट के बारे में सोच नहीं सकते। डर हमारे दिमाग में इस कदर हावी हो जाता है कि हम चाह कर भी फैक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और फैक्ट के ऊपर ध्यान देने की वजह से हम ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं, इससे डरावनी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। डर को अगर नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि दरअसल डर होता नहीं है, बल्कि डर हमारे दिमाग में होता है, जबकि रियलिटी में बहुत अलग होती है। द साइज इंस्टिंक्ट चैप्टर 5, ऑथर बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे गलत नज़रिए को देखते हैं। वह साइज इंस्टिंक्ट का मतलब यह है कि हम दुनिया के साइज के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है तो वो अमीर है, और अगर किसी के पास छोटा घर है तो वो गरीब कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी के पास बहुत लंबी गाड़ी है तो वो ज़्यादा अमीर कहलाता, और छोटी गाड़ी है तो एक मामूली सा आदमी कहलाता है। तो दुनिया छोटी और बड़ी नज़रों से नहीं चलती, हम सिर्फ इस नज़र को देखने लगते हैं तब चीज़ें हमें निगेटिव हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है लेकिन अंदर इंसानियत नहीं है, तो उस इंसान के बड़े घर में रहने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई छोटे घर में रहता है लेकिन उसका मन उदार है, तो उस आदमी से ज़्यादा अमीर होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दुनिया को अपनी साइज, अपनी इंस्टिंक्ट्स नहीं बल्कि मन से देखें कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। डजंट मैटर व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स अ मैटर अ लॉट। ठीक है, अब हम चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाले हैं, द जर्नलाइजेशन। द जर्नलाइजेशन हमें गलत चीज़ों या लोगों को देश के साथ एक जर्नलाइज कर सकती है जो रियलिटी से बहुत अलग है। इस तरह हम सोच हमें यह मानने को मजबूर कर सकती है कि एक श्रेणी में हर कोई सामान्य। और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ यहाँ तक कि सिर्फ एक असमान उदाहरण की उधार पूरी श्रेणी के बारे में निष्कर्ष दे सकते हैं। जब भी इस तरह की सोच आप पर हावी होने लगे तो सारे लोग समान हो जाते हैं, तब आपको समूह के भीतर मतभेदों की तलाश करना चाहिए। विशेष रूप से जब समूह बड़े होते हैं तो उनकी छोटी व अधिक सटीक कैटेगरी में विभाजित के तरीकों को तलाश करने चाहिए। समूह में समानता की तलाश करें यदि आप विभिन्न समूहों के बीच नज़र आने वाली समानता पाते हैं, तो विचार करें कि आपकी कैटेगरी और रिलेवेंट क्या है। समूह और मतभेदों की तलाश करें, यह न माने कि जो समूह के लिए लागू होता है वह समूह लागू होना है, क्योंकि एक दूसरे के अलग अलग होते हैं, अलग अलग बातों का अनुसरण करते हैं। इसलिए जनरलाइजेशन की गलत सोच हटाने के लिए समूह मतभेद देंगे। तो मतलब बहुत छोटी की तरह सोचें, क्योंकि ये दर्शाती है कि चीज़ें जैसी अभी हैं वैसे ही रहेंगी, कभी उम्र किसी के साथ बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस तरह की सोच रखना गलत है, क्योंकि प्रकृति का नियम बदलाव है, और बदलाव के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लोग इंसान की मेहनत से ज़्यादा उसकी किस्मत पर यकीन करते हैं और कहते हैं वह इसने क्या किस्मत पाई। फिर यह लोगों को लोग ऐसे कहते हैं कि लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, इन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। अमीर बच्चों के बारे में लोगों की यही धारणा होती है कि वो बहुत कुछ नसीब हैं जो उन्हें इतने परिवार में जन्म मिला।
लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसका बच्चा उसकी संपत्ति को नहीं संभाल पा रहा है तो वह आदमी कभी गरीब बन जाएगा, और वहीं अगर गरीब परिवार में जन्मा लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखता है तो वह भी अमीर बन सकता है। उस तरह की छोटी सोच हमेशा दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 8, द सिंगल प्रोस्पेक्टिव। सिंगल प्रोस्पेक्टिव मतलब बहुत से लोगों में फितरत होती है कि वह किसी एक चीज़ के साइज के होते हैं या फिर किसी एक चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन दुनिया कोई भी चीज़ ऐसे काम नहीं करती। मतलब आप जिस चीज़ के साइड ले रहे हैं वही सही है, आप जिस चीज़ का साइड नहीं ले रहे हैं वह गलत है। ये सोचना बिल्कुल ही गलत धारणा, क्योंकि हम अपनी धारणा से लोगों की बातों को सुनकर बना लेते हैं। लोगों की बातें हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें इस तरह की सोच भी नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम सिक्के के दो पहलुओं को ध्यान में रखें, फिर यह सोचें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि दुनिया को गलत बोलने से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि दुनिया गलत क्यों है, और या फिर आप दुनिया को अच्छा बोल रहे हैं तो यह भी देख लेना चाहिए कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है। हर चीज़ के दो साइड होते हैं, तो आपको हमेशा अपने दोनों नज़रियों से देखना चाहिए। द ब्लेम। ब्लेम एक नाम का एक कीड़ा है, समझे? या क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी गलतियों को खुद जिम्मेदार रहता है? शायद ही देखा हुआ, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो अपनी गलतियों को खुद जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग कुछ भी बुरा होने से पीछे या तो सरकार को या किस्मत को या फिर अपने परिवार को बुरा कोसते हैं। लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम करने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, वो कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मैं दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं खुद उस गलती को क्यों नहीं रेक्टिफाई कर रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ में चेंज आ सके। तो ब्लेमिंग इज़ द वेरी वर्स्ट की। द अर्जेंसी, जब हमारे सामने कोई मुसीबत आती है ना, तब हम मुसीबत को टालने की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह मुसीबत आएगी नहीं जब, जैसे कोई बीमारी या भूकंप आने का अंदाजा, तो इसलिए अर्जेंसी का यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी चीज़ों को शांत रहकर भी देखना चाहिए। तो आई होप ये बुक जो हमारी थी, द फैक्टफुलनेस बुक्स में ये बताया गया है कि हमारे जीवन के क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमें दुनिया को किस अंदाज से देखना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया है, इसमें अंदाज सब बंदे के अलग अलग, न जाने कितने अरबों लोग रहते हैं। जैसे मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन सबके अंदाज, सबके थॉट प्रोसेस, सब कुछ अलग अलग है, और ये मैटर करता है। अगर इन सबको, अगर जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया, अगर इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करते तो मेक श्योर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज आने वाला है और बहुत ही वैल्यू एड होने वाली। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगी होगी, ये समरी। तो अगर आपको कोई भी बुक समरी चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए अगर आपका, और मैं पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में वही बुक समरी प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।